हेलो फ्रेंड्स, आई एम भारती। वेलकम टू माय चैनल नंबर वन साइंस क्लास। आज हम देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें हम देखेंगे लैस्पियस मेथड, पाशियस मेथड, ड्रॉबिश एंड बाउलिस मेथड, फिशर्स मेथड, मार्शल एडवर्थ मेथड, केलिस मेथड, वॉल्स मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर में सबसे पहले मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, हम प्राइजेस और क्वांटिटीज को हम वेट में लेते हैं। जैसे कि P01, ये वेटेड एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला है। P01 इक्वल्स टू समेशन WP1, W मतलब वेट है, P1 मतलब करंट ईयर, डिवाइडेड बाय समेशन W इंटू P0, P0 मतलब बेस ईयर में प्राइस, इंटू 100। और हम यहाँ पे देखेंगे कि लैस्पियर्स और पाशियस, ड्रॉबिश, बाउलिस, ये जो है यहाँ पे हम अलग अलग वेट का, हम यहाँ पे वेट की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे और फॉर्मूलेज निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लैस्पियर्स में हम देखेंगे, तो लैस्पियर्स में क्या होता है कि बेस ईयर क्वांटिटी है, और जैसे कि प्रोडक्शन है, डिमांड है, कंजम्पशन है, कहाँ की बेस ईयर की क्वांटिटीज़ है। जैसे कि हम यहाँ पे वेट इक्वल्स W इक्वल्स टू हम Q0I पुट करेंगे, क्योंकि ये बेस ईयर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे जीरो है, और I मतलब कमोडिटी है उस बेस ईयर में, और Q मतलब क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि W इक्वल्स टू Q01, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि लैस्पियर्स मेथड क्या है कि बेस ईयर क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे हम Q लेंगे। फिर P01 इक्वल्स टू समेशन P1I इंटू Q0I डिवाइडेड बाय समेशन P0I Q0I इंटू 100। और I कहाँ पे वैरी हो रहा है, 1, 2, up to so on n। ये P1I मतलब आयत कमोडिटी, ये डिनोट क्या करना है कि आयत कमोडिटी इन द करंट ईयर, और ये हो गया बेस ईयर की क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय P0I और Q0I। ये जो हमारा फॉर्मूला है P1 और P0, हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे वेट की, और यहाँ पे बेस ईयर और करंट ईयर दोनों में हम आयत कमोडिटी ले रहे हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P01 इक्वल्स टू समेशन और P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। फिर सिमिलरली हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए भी हम निकाल सकते हैं कि हम बेस ईयर प्राइजेस को हम टेकन एज ए वेट करेंगे। जैसे कि W इक्वल्स टू P0I, हमने यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने किया था कि बेस ईयर क्वांटिटीज को कंसिडर किया था, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बेस ईयर प्राइजेस को। W इक्वल्स टू P0I, P01 इक्वल्स टू वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ पे P0I और P0I लगेगा। यहाँ पे हमने Q0I लगाया था, और यहाँ पे हम P0I लेंगे, और Q1I और Q0I हम यहाँ पे P पुट किए थे, यहाँ पे हम Q पुट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। फिर पाशियस क्या है कि करंट ईयर क्वांटिटी है, जिसमें हम लेंगे कि W इक्वल्स टू मतलब वेट इक्वल्स टू Q1I, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर क्वांटिटीज की क्वांटिटीज को, जैसे कि P01 इक्वल्स टू समेशन P1I Q1I डिवाइडेड बाय समेशन P0I Q1I इंटू 100। ये इसको क्या डिनोट करता है कि प्राइस क्वांटिटी ऑफ आयत कमोडिटी इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय, फिर हम यहाँ पे बेस ईयर की प्राइस लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फॉर आई इक्वल्स टू 1, 2, up to so on n। और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 इंटू 100 आई न लिखते हुए। फिर पाशियस मेथड हम देखेंगे कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए भी हम निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू P1I। हम यहाँ पे हमने Q1I पुट किया था, हम यहाँ पे P1I पुट करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स के लिए। जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तब हम क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं, और जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालते हैं तब हम प्राइस को कंसिडर करते हैं। P01 इक्वल्स टू समेशन P1I डिवाइडेड बाय समेशन Q0I P1I, जहाँ पे हमने Q पुट किया था हम वहाँ पे P पुट करेंगे इंटू 100, और यहाँ पे P की जगह Q आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा।
फिर द्रव्यज बाहुल्य क्या है कि सिंपल अरिथमेटिक मीन है किसका, लैसपियर्स और पाशियस का। जैसे कि लैसपियर्स का फॉर्मूला प्लस पाशियस का फॉर्मूला, उसका हम दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो द्रव्यज बाहुल्य का फॉर्मूला हो जाएगा। और हम इसको विदाउट आई भी लिख सकते हैं, ये हो गया उसका फॉर्मूला। फिर द्रव्यज बाहुल्य की जो क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये प्राइस इंडेक्स हो गया, जिसमें हम पी वन आई क्यू जीरो आई, वही जो जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स के लिए जो पाशेज और लैसपियर्स की क्वांटिटी इंडेक्स नंबर थे वो हम यहाँ पे लेंगे, उनकी वैल्यू लेंगे और उनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। फिर फिशर्स मेथड क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन किसका है, लैसपियर्स का और पाशेज का। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडररूट में हम लेंगे लैसपियर्स मेथड इंटू पाशेज मेथड इंटू 100, ये हो गया उसका फॉर्मूला फिशर्स का। वैसे ही हम क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी निकाल सकते हैं किसका, अंडररूट में हम क्या लेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स लेंगे लैसपियर्स की पाशेज की इंटू 100 करेंगे तो अपने को फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। फिर नोट में हम देखेंगे कि फिशर्स का इंडेक्स नंबर को हम क्यों कहते हैं कि आइडल इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे आइडल चाहिए। फिर क्योंकि ये क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए वो यूज़फुल है, कि बाकी के जो मेथड्स है वो ज्योमेट्रिक मीन के लिए यूज़फुल नहीं है, पर ये बेस्ट एवरेज है ज्योमेट्रिक मीन के लिए। फिर ये करंट ईयर और एज वेल एज बेस ईयर को भी ये कंसिडर करता है। और ये जो टेस्ट रहते हैं कन्फर्म टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी की टेस्ट रहती है, जैसे कि यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो आइडियल इंडेक्स नंबर कहता है। फिर ये क्या करता है कि अपवर्ड बायस क्या करता है, लैसपियर्स देता है, और डाउनवर्ड बायस कर देता है पाशेज, और ये दोनों बैलेंस करते हैं टू ग्रेट एक्सटेंट, ये दोनों बैलेंस करते हैं, इसलिए इसको फिशर्स आइडियल इंडेक्स कहते हैं। फिर मार्शल्स एडवर्स मेथड, जिसमें हम क्या लेते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर लेते हैं प्लस और क्वांटिटी करंट क्वांटिटीज को हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि 1/2, मतलब ये अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं हम बेस ईयर क्वांटिटीज का प्लस करंट ईयर क्वांटिटीज का, ये हो गया हमारा वेट। उसको हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे समेशन पी वन आई, और ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को मार्शल एडवर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स में हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन किसका लेंगे, प्राइजेस का। यहाँ पे हमने क्यों लिया था, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हुए वक्त, और जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालेंगे तब हम यहाँ पे पी पुट करेंगे क्यू के बजाय, तो अपने को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मिलेगा। फिर केलीज मेथड क्या कहता है कि केलीज मेथड क्या है कि बेस पीरियड पे भी वो नाइदर बेस पीरियड है और ना ही वो करंट पीरियड पे वेट देता है, कि जो वेट रहता है वो हर तरफ कॉन्स्टेंट रहता है। और इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे तो P01 इक्वल्स टू समेशन P1 I into Q I divided by summation P0 I into Q I into 100, where Q I क्या है, 1/2 Q0 I plus Q1 I, arithmetic mean किसका है, base year quantity plus current year quantity का, यह हो गया Kelly's method। फिर Kelly's quantitative index में भी हम वैसा ही लेंगे, हमने यहाँ पे arithmetic mean किसके लिया था, quantity का, जब हम price calculate कर रहे थे। फिर जब हम क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तब हम यहाँ पे प्राइस का अरिथमेटिक मीन लेंगे, बेस ईयर का प्लस क्वांटिटी करंट ईयर का। फिर वॉल्स क्या कहता है कि वॉल्स क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन है बेस ईयर का और करंट ईयर का क्वांटिटी का। जैसे कि यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन लिया था केलीज में, वॉल्स में क्या कहता है कि वो ज्योमेट्रिक मीन है करंट ईयर क्वांटिटीज और बेस ईयर क्वांटिटीज, तो हम वेट इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, अंडर रूट में Q0 आए मतलब बेस ईयर क्वांटिटी इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। और वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर को हम कैसे पुट करेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे W की जगह ये W का वेट पुट कर देंगे और इंटू 100 करेंगे तो अपने को वॉल्स मेथड मिलेगी, वॉल्स इंडेक्स नंबर मिलेगा। वैसे ही हम क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे W इक्वल्स टू P0i इंटू P1i पुट करेंगे, मतलब हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइसेस का। फिर वॉल्स मेथड में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं वैसे करके कि हम यहाँ पे P पुट कर देंगे तो अपने को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मिलेगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर
ये था कंप्लीट आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा वेटेड इंडेक्स नंबर, लेस्पियस मेथड, क्वांटिटी उसके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर उसके लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, पाशेस मेथड उसके लिए भी प्राइस क्वांटिटी, फिर रॉबिश बाउली मेथड, फिशर्स मेथड, फिर फिशर्स मेथड को क्यों आइडल इंडेक्स कहते हैं वो भी हमने देखा, मार्शल एडवर्ब्स मेथड, फिर केलीज मेथड, वॉल्स मेथड। ये था कंप्लीट आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा वेटेड इंडेक्स नंबर। थैंक यू।